हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। आज उत्कृष्ट रसोई में बनेगा पिंड खजूर का अचार, जो कि चलेगा सालों साल। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए 250 ग्राम पिंड खजूर। इसकी अब हम बीज निकाल लेंगे। वैसे तो बाजार में सीडलेस पिंड खजूर भी मिलते हैं, आप वो भी ला सकते हो, और हम घर पर भी इनके बीज निकाल सकते हैं। आसानी से निकल जाते हैं, ये बहुत नरम होते हैं। बस इसी तरह से हम सारे बीज निकाल लेंगे और छोटे छोटे टुकड़े में पिंड खजूर को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमने यहाँ पर सभी पिंड खजूर के बीज भी निकाल लिए और इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया। अब लिए हमने यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले, 100 ग्राम हरी मिर्च, 100 ग्राम गुड़, स्वाद अनुसार काला नमक और सफेद नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ। यहाँ पर मेरी बेटी सेतानिया कर रही है। यहाँ पर लिए हमने थोड़े से किशमिश और हींग पाउडर, और डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाने को मैंने 4-5 घंटे पहले ही भिगो करके रख दिया था, जिससे कि मेथी दाने हमारे नरम हो जाए। इस अचार में मेथी दाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने 4-5 नींबू का रस निकाल करके रख लिया था। इस अचार में नींबू का रस जरूर डालें। नींबू का रस से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अचार की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, ये खराब नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच भर करके रिफाइंड ऑयल ले लिया है। हम इस अचार को बिल्कुल कम तेल में बना करके तैयार करेंगे, और जो लोग तेल नहीं खाते हैं उनके लिए भी मैं बिना तेल का अचार बनाना बताऊंगी। इसकी वीडियो भी मैं चैनल पर डाल दूंगी। अभी तेल गर्म हो गया है, हम यहाँ पर डाल रहे हैं सौंफ और खड़ा धनिया। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमें ज़्यादा नहीं तलना है, बस नरम होने तक ही तलना है। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अब यहाँ पर हमारी हरी मिर्च सॉफ्ट हो गई है। अब डाल देंगे हम हींग पाउडर। हींग पाउडर से अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम जब भी कोई अचार बनाते हैं तो उसमें हींग पाउडर ज़रूर डालते हैं। हींग पाउडर अचार की जान होती है। अब डाल देंगे हम हमारी भीगी हुई मेथी दाना। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप इन सभी मसालों में से जो भी मसाला पसंद नहीं करते हो उसे स्किप कर दें। 1-2 मसाले कम भी रहेंगे तब भी अचार हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। वैसे मसालों का सभी का अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। मेथी को हमने थोड़ी देर तल लिया है, ज़्यादा नहीं तलना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पर डाल देते हैं कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, हमने सिर्फ कलर के लिए यूज़ किया है। जहाँ पर जो हमने हरी मिर्च डाली थी वो भी तीखी नहीं है, तीखेपन के लिए। अब हम डालेंगे यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, इससे हमारे अचार में आएगा अच्छा सा स्पाइसी फ्लेवर। तो यहाँ मिर्च को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिर्च का कच्चापन दूर होने तक हम इसे सेकेंगे। ध्यान रहे लाल मिर्च हमारी जले नहीं। अगर मिर्च जल जाती है या कोई भी मसाले जल जाते हैं तो अचार का टेस्ट खराब हो जाता है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कलर के लिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, आप पिंड खजूर का अचार कैसे बनाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसी तरह की रेसिपी आपके साथ फिर से शेयर करूंगी। अब यहाँ पर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार काला नमक। सारे मसाले हमारे पक गए हैं। अब डाल देंगे हम पिंड खजूर जो हमने काट करके रखी हुई थी। इन्हें डेट्स या छुआरे नाम से भी जाना जाता है। आप इन्हें किस नाम से जानते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं हर चीज़ों के। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी फ्लेम हमारी बिल्कुल लो है, इसे लो फ्लेम पर ही बनाएं, नहीं तो अचार तले में जल सकता है, फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब अचार में डालेंगे हम किशमिश। किशमिश आप अपनी मर्जी हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। बाकी किशमिश से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अगर पसंद करते हो तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो या कम भी डाल सकते हो। अब डाल देंगे हम नींबू का रस और साथ ही डाल देंगे गुड़। अब इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट ना हो जाए। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और पिंड खजूर की तासीर होती है गर्म, इसलिए एक बार इस अचार को जरूर बनाएं। ये अचार टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है और गुणकारी भी है। बच्चे बड़े सभी इस अचार को खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस अचार को मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। ज़्यादा तेज आंच कर देंगे तो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और अच्छे से पक भी नहीं पाएगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। पहले हमने डाला था इसमें काला नमक, जो कि हमने कम मात्रा में डाला था। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। अब अचार हमारा गाढ़ा हो गया है। अचार की कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हो, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। अगर ठंडा होने के बाद में आपका अचार गाढ़ा हो जाता है तो आप क्या कीजिए, उसमें नींबू का रस डाल दीजिए और जितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतना आप रस उसमें डाल दें। अचार का लुक आप देख पा रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है, देखते ही खाने का मन करने लगेगा। अब इसे मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख दिया है। अचार आपका साल भर ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।